गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित, स्वागत है स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट नॉलेज में। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है सेकंड ईयर की, नॉलेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि नॉलेज का कितने प्रकार हैं, क्या नॉलेज होती है। ठीक है, आज जो हम लोग रचनावाद जिसको कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोलते हैं उसको पढ़ेंगे, और जो नॉलेज है आपकी उसको कहां से हम लोग एक्वायर कर सकते हैं ताकि ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है ये आपका कंप्लीट हो जाए। तो गाइस, क्वेश्चन हमारा क्या था आप लोगों को पता होगा, आप इसको देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि क्या क्वेश्चन है आपका नॉलेज एंड करिकुलम वाला, ठीक है, ये हो गया आपका गाइस। अब हमारा जो एक अगला जो एक टॉपिक बन रहा है इसी के अंदर, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आ जाती है गाइस वो देख लीजिए आप, क्या ये बोल रहा है आपको, ये देखिए क्या है आपका, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब यहां पर है आपका मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो गाइस देखिए, जब हम लोगों ने नॉलेज के बारे में पढ़ा था कि भाई ज्ञान क्या है, करिकुलम क्या है, अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो नॉलेज है उसको हम लोग कहां कहां से क्या है प्रोवाइड यानी कि ले सकते हैं। तो यहां पर मेथड्स क्या बन गया आपका मेरे बच्चों, कि मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। अब नॉलेज आपको कहां कहां से मिल सकती है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक है ताकि ये थोड़ा सा ज्ञान आप लोगों के हो जाए। तो गाइस देखिए, बेसिकली मोटी मोटी मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए सबसे पहले हमारे पास जो नॉलेज है यानी कि जो नॉलेज हम कहां से ले सकते हैं, फर्स्ट है आपका एक्वायरिंग फ्रॉम अथॉरिटी, दूसरा है आपका एक्वायरिंग फ्रॉम ट्रेडिशन, तीसरा है आपका एक्वायरिंग फ्रॉम सेंसेस, और चौथा है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, जिसको अप्रोच भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अप्रोच भी बोला जाता है। और अगला है आपका एक्वायरिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, और दो प्रकार के नीचे है। तो गाइस पहले हम लोग आपकी बात करेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको फिनिश करेंगे क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो जाता है। तो गाइस अब जो एक्वायरिंग फ्रॉम अथॉरिटी, अब यहां पर हम लोग नॉलेज कहां से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब पहले हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ नॉलेज क्या है, अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई जो ज्ञान है, जो नॉलेज है उसको हम लोग कहां से ले सकते हैं। एक्वायरिंग का मतलब गाइस क्या है कि हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा एग्जाम के अंदर, भाई नॉलेज प्राप्त करने के या ज्ञान हम जो है किस किस ढंग से या कहां कहां से क्या प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी के बच्चों के लिए रहेगा और इंग्लिश के बच्चों के लिए रहेगा कि कहां से हम लोग एक्वायर कर सकते हैं। तो गाइस सबसे बड़ा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल क्या है आप लोगों का देख लीजिए, एक्वायरिंग फ्रॉम अथॉरिटी। जब हम लोग नॉलेज के बारे में पढ़ रहे थे, भाई अथॉरिटी का मतलब क्या है, कुछ एक ऐसी अथॉरिटेटिव जो साइंटिफिक चीज होती है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां से नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हो। सेम है, कोई भी गाइस अथॉरिटी है, जो किसी भी चीज की अथॉरिटी है, एक साइंटिफिक नॉलेज है, उस मेथड से क्या है इस नॉलेज को क्या आप एक्वायर कर सकते हो। दूसरा गाइस आपका अगला पॉइंट आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक्वायरिंग फ्रॉम ट्रेडिशन। आप देखिए ट्रेडिशन का मतलब यहां पर क्या है, अब क्योंकि देखो भारत जैसे बड़े विशाल देश को क्या बोला जाता है, मतलब बहुत सारे धर्मों के लोग यहां पर रहते हैं, हिंदू रहता है, सिख रहता है, मुस्लिम रहता है, ईसाई रहता है, पादरी रहता है, क्रिश्चियन रहता है, बहुत सारी जो ट्रेडिशन है, मतलब देखिए आप सपोज करो कि आप पंजाब में चले गए, ठीक है, या आप हमारे हरियाणा में आ गए, तो हरियाणा पंजाब का जो कल्चर है वो बिल्कुल मिलता जुलता है। अब यहीं अगर यूपी में चले जाओगे, राजस्थान में चले जाओगे, तो हर एक स्टेट का, हर एक राज्य का जो अपना ट्रेडिशन होता है, क्या होता है गाइस आपका ट्रेडिशन होता है वो बिल्कुल क्या है, भिन्न होता है आपका, अलग होता है। क्या होता है आपका? अलग होता है। तो इसलिए क्या है यहां पर जो क्वेश्चन बन रहा है आपका, मतलब जो आप नॉलेज ले सकते हो, एक्वायर कर सकते हो यानी कि प्राप्त कर सकते हो, वो कहां से ले सकते हो मेरे बच्चों, एक्वायरिंग फ्रॉम ट्रेडिशन, यानी कि आपने मान लो पटियाला सूट डाला, तो वो कहां की ट्रेडिशन है, पंजाब की। आपने साड़ी डाली, महाराष्ट्र का भी साड़ी तो हर लोग डालते, हर तरह के डालते हैं, पर यहां पर कहने का मतलब ये है कि एक ट्रेडिशन है, मतलब उसके कल्चर से क्या है वो चीज हम लोग पिक करते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाती है, नॉलेज एक्वायरिंग फ्रॉम ट्रेडिशन। तो गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है दैट इज एक्वायरिंग फ्रॉम सेंसेस। जब हम लोग ने बोला था कि भाई कितने प्रकार की है, तो हम लोग इस कहां से ले सकते हैं, एक्वायर फ्रॉम सेंसेस। मैंने बताया जितने भी हमारे सेंसेस, क्या है हमारे सेंसेस ऑर्गन जो है, वहां से क्या है हम लोग नॉलेज को क्या एक्वायर कर सकते हैं, चाहे वो हमारा नाक है, कान है, या हम जहां से सेंस कर सकते हैं। भाई जैसे मैंने बताया किसी ने परफ्यूम लगाया है, तो वहां भी क्या है हम लोग ले सकते हैं, फलाने ने, आदमी ने ये परफ्यूम लगाया, तो वहां पर क्या है नॉलेज आपको कहां से मिली, सेंसेस के थ्रू मिली। कहां से मिली बच्चों? सेंसेस के थ्रू। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि जो पॉइंट देखिए
जब आप अपना एग्जाम लिखेंगे तो इस प्रकार जो पॉइंटों को ना कैसे भी मेंशन कर सकते हो। मैंने तो पीपीटी बनाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा बढ़ाया है, बट आप लोग जो पॉइंट बनोगे ऐसा सर्कल बना के, एक्वायरिंग फ्रॉम ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड आपका ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, या फिर आप क्या है ऐसे बना भी ऐसा 1 2 3 4 करके। तो गाइस जैसे आपका मन करे वैसे आप अपनी इस चीज को बना सकते हो, और जैसे जितना जल्दी होगा जितना अच्छे तरीके से आप इसको इलेबोरेट करोगे जो एग्जामिनर है आपका, वो आपको उतने ही अच्छे क्या है मार्क्स देगा। तो अब हम अगली नॉलेज की आपकी बात करते हैं कि कहां से आप ले सकते हो। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका, इसको आप समझिए। अगला मेथड है आपका, ये देखिए क्या है आपका मेथड, आप देख लीजिए इसको एक बार। हाँ, ये मेथड आपका इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले गाइज इंडक्टिव का मतलब समझिए, इंडक्टिव का मतलब क्या है कि आप पहले नॉलेज को लेते हो, क्या कर इंडक्ट का मतलब ग्रहण करते हो, उसके बाद क्या उसको रिसर्च करते हो। यानी कि सपोज करो कि कोई बच्चा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है या सॉफ्टवेयर का कोई बीटेक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जैसे आप टीचिंग कर रहे हो, तो मान लो आप स्कूल ट्रेनिंग पर जब आप लोग जाते हो तो वहां पर सीखते हो ना कि जो आपके सीनियर जो टीचर है आपके, वो बच्चों को कैसे पढ़ाते हो। यानी कि वहां पर जो आपने नॉलेज है उसको क्या किया, उसको इंडक्ट किया आपने, क्या किया ग्रहण किया आपने, क्या क्या मेरे बच्चों ग्रहण किया। यानी कि जब आप टीचर्स को बड़े टीचर्स को पढ़ाते देखोगे कि भाई आपके डेमो वो कैसे दे रहे हैं, वो कैसे चीजों का एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वहां पर चीज को क्या आपको इंडक्ट किया। उसके बाद जब आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे होगे, मान लो आप खुद उस चीज का रिसर्च करके खुद उस चीज को समझकर उस चीज को क्या अप्लाई करोगे, तो वो आपका क्या बन जाता है, आपका मेथड कौन सा बन जाता है, वो आपका डिडक्टिव मेथड बन जाता है। कौन सा बन जाता है गाइस, डिडक्टिव मेथड। तो कहने का मतलब यह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ नॉलेज। ये तीन नंबर का भी आ जाता है, बट अभी वो सिस्टम बंद हो गया, बट आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। दोबारा फिर बता देता हूं, इंडक्टिव मेथड आपका कौन सा है, जब आप किसी चीज को सीखते हो और उसके बाद उस चीज को सीखकर उसका रिसर्च करते हो, टेस्ट करते हो, किस पर, दूसरों पर। मान लो आपने कोई चीज बनाई या बच्चों को पढ़ाते हुए टीचर्स देख रहे हो कैसे है, तो खुद क्लासरूम में जाके जब बच्चों को पढ़ाओगे तो वहां पर आपने क्या किया, उसकी टेस्टिंग कर दी। तो यही आपका इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, अगला जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज एक्वायरिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आपने कोई चीज पहले एक्सपीरियंस की, अब आप बोलोगे सर इंडक्टिव और ये भी दोनों सेम चीज है, गाइज ये चीज नहीं है। पहले यहां पर क्या आपको रिसर्च करना पड़ता है। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि गाइज सपोज करो कि आपने गाड़ी चलाना सीखा, एक्सपीरियंस मतलब आपने किसी चीज का एक्सपीरियंस लिया, मतलब आप घूमने गए, कोई साथ में ब्लॉगिंग कर रहा है कि भाई देखो घूमने की जो ब्लॉगिंग है वो कैसे बनती है, तो जब आपने देखा 2-3 आदमियों को वहां पर कि भाई लोग ऐसे कैमरा लेकर बना रहे हैं ब्लॉग, आजकल जो चला हुआ है ब्लॉगिंग बना रहे हैं, तो आपने वहां से क्या है उसको एक्सपीरियंस किया कि यार ऐसे भी ये चीज बन सकती है। तो इसीलिए क्या है, जो आप नॉलेज एक्वायर करोगे एक्सपीरियंस के थ्रू भी क्या है बच्चों, आप नॉलेज को क्या है एक्वायर कर सकते हो। तो इसलिए क्या है, ये कुछ मेथड्स है जहां से हम लोग नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। सबसे पहले आपका एक्वायरिंग फ्रॉम अथॉरिटी जो मैंने पढ़ा दिया, एक्वायरिंग फ्रॉम आपका ट्रेडिशन, एक्वायरिंग फ्रॉम सेंसेस, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, और एक्वायरिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। कुछ टाइम बाद आगे जैसे ही लेक्चर आप लोगों के बढ़ेंगे तो लाइव क्लासेस भी लेंगे जहां पर आप लोगों को और ज्यादा हेल्प मिले।